इमरान सैफी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे के बारे में, जिसका निर्माण शुरू कर दिया गया है 2021 में और 2022 में इस एक्सप्रेस वे का कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसको आम पब्लिक के लिए शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली के ट्रैफिक का जो लगा हुआ है, दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक लग जाता है, उसको इस एक्सप्रेसवे से बनने से लाभ मिलेगा। हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक नई पहल की है इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से। दोस्तों, जो पर्यावरण को लेकर अगर हम बात करते हैं तो जितने भी एक्सप्रेसवे बनते हैं और जहाँ से वो एक्सप्रेसवे गुजरता है वहाँ के पेड़ पौधों को काटा जाता है, लेकिन नितिन गडकरी जी ने एक नई पहल की है जिसमें 12,000 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया है। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि 12,000 पेड़ों का ट्रांसप्लांट किया गया है। उन पेड़ों को काटा नहीं गया है, उन पेड़ों को उनकी खुदाई कर उनको एक जो पूरे पेड़ को, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। और नितिन गडकरी जी ने बताया है कि हमें इस पहल से खर्चा एक पेड़ का ट्रांसप्लांट करने का 12,000 रुपये आ रहा है, लेकिन हमें एक सुविधा जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा था पेड़ पौधे काटने से, वो बचाव हो रहा है और उसी प्लांट को हम अलग साइड में उसको लगा रहे हैं। जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके निकट ही उस प्लांटों को लगा रहे हैं जिसको ये दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे को ग्रीन फील्ड में तब्दील किया जा सके। दोस्तों, ये एक न्यू पहल की गई है पेड़ ट्रांसप्लांट की और इसमें 100% सक्सेस हुए हैं और इसके 84% सक्सेस रेट भी मिले हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात निकल कर आई है कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू कर दिया गया है और 2022 तक इसको फाइनल कंप्लीट कर दिया जाएगा और एक आम पब्लिक के लिए ये चालू कर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।